Morning, students. In previous class, I taught you about vegetative reproduction by natural means. Now, today we'll study vegetative reproduction through artificial methods. So, as I told you, in artificial methods, humans are involved. ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड इट मीन्स ये नेचुरली नहीं हो रहा है, इसमें कौन इन्वॉल्व है? ह्यूमंस इन्वॉल्व है. तो आर्टिफिशियल मेथड्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, दैट इज कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर. ठीक है, तो आपका जो ये आर्टिफिशियल मेथड है ये कई टाइप्स के हो सकते हैं. इट कैन बी थ्रू कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर, दैट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल. तो फर्स्ट वी विल सी कटिंग. जो कटिंग के थ्रू हम रिप्रोड्यूस कराते हैं तो उसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कटिंग द पार्ट ऑफ स्टेम, प्लेसिंग इट इन मॉइस्ट सॉइल. ये बहुत कॉमन है, ये हम लोग घर में भी करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लांट लिया, उसके स्टेम्स को कट किया और कट करने के बाद उसको क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं. तो क्योंकि हमने क्या किया, कट करके प्लांट को ग्रो कराया, सो प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग. इसलिए उस प्रोसेस को हमने कटिंग कह दिया. जैसे सर वगैरह में हम करते हैं कि उसके स्टेम्स को लेते हैं, कट करते हैं और फिर इसको हम लगा देते हैं, दैट इज कटिंग. नेक्स्ट जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग. ठीक है, ये जो मेथड है ना ग्राफ्टिंग आपका, ये ज़्यादातर कॉमन होता है ऑर्नामेंटल्स एंड फ्रूट प्लांट्स. ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो फ्लावर वाले जितने भी डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स वगैरह हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो ये फ्लावर्स बेसिकली वो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में. एंड जो फ्रूट्स प्लांट है उसमें ये मेथड ग्राफ्टिंग बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ग्राफ्टिंग के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड, यानी अगर देखो अगर फ्रूट्स के लिए यूज़ करना तो हाइब्रिड वेराइटीज़ हमें मिल सकती हैं फ्रूट्स की. ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटी मिल सकती है फ्रूट्स की. सिमिलरली हमें न्यू वैरायटीज़ भी मिल सकती है. तो हम लोग इसको बहुत कॉमनली यूज़ किस में करते हैं, फ्रूट्स में या ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज़ करते हैं. क्लियर? अब जो ये ग्राफ्टिंग है, इसमें हम लोग ये कैसे ग्राफ्टिंग मेथड जो होता है वो कैसे होता है ये हम देखेंगे, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, दैट आई हैव रिटन हियर. तो देखो मैं पहले आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं. क्योंकि देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हमें न्यू वेराइटीज़ चाहिए या हाइब्रिड चाहिए, इसलिए हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, ताकि हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रूट्स या फ्लावर्स आ सके. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक प्लांट लिया. ठीक है, ये प्लांट है हमारा, मान लो ये कोई प्लांट है, इसमें ये लीव्स हैं, सपोज दैट बहुत अच्छा नहीं बन रहा है बट इट इज़ अ रफ डायग्राम. ये कोई प्लांट है आपका, सपोज कर लीजिए, और इस प्लांट की इस पार्ट को हमने क्या करा, कट कर लिया. ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है हमारा, ठीक ना, इसमें भी रूट्स हैं, और इस कट पार्ट को हम क्या करेंगे, इस प्लांट में इसमें रूट्स भी हैं, ये सॉइल में है, इस प्लांट इसको कट किया हमने और इसको कट करके इस प्लांट के पार्ट्स में हम इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, लगा देंगे. बस ख्याल होना चाहिए कि इसमें हमारे पास नोड्स मौजूद होना चाहिए. ठीक है, इसको यहाँ से हमने काटा और काट के इस वाले में लगा दिया. ठीक है, इसको यहाँ पर से बहुत टाइटली क्या करते हैं, बांध देते हैं. ठीक है, अब ध्यान से समझो, जिस पार्ट को हम लोग कट कर रहे हैं उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सयान कहते हैं. जो काटा, काट के इसको क्या, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया आपका, दिस पार्ट इस कॉल्ड सेयॉन. इस पार्ट को हम लोग सेयॉन कहते हैं, और जिसमें हमने अटैच किया है दैट इज कॉल्ड स्टॉक, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं. क्लियर, जिसको कट करा उसको सेयॉन कहते हैं, और जिसमें इस सेयॉन को अटैच किया उसको स्टॉक कहते हैं. जो स्टॉक होता है उसमें रूट्स भी मौजूद होती हैं, ताकि
इसलिए रूट्स मौजूद होती हैं ताकि रूट से ये मिनरल्स और वाटर ले और फिर इस तरीके से ये आपका ग्रो हो सके। तो फिर यहाँ से जो हमने टाइटली टाइट किया ना, फिर यहाँ से जो स्टेम्स निकलेंगी और उसमें जो फ्रूट्स या फ्लावर्स होंगे वो हाइब्रिड होंगे। क्लियर? दैट आई हैव रिटन हियर। ये देखो मैंने यहाँ ये लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अ कटिंग दैट हैज सेवरल बर्ड्स कॉल द सियॉन ऑफ वन प्लांट इज प्लेस्ड ओवर द कट स्टेम विद रूट्स ऑफ अनदर प्लांट कॉल द स्टॉक। हमने एक सियॉन लिया, एक प्लांट से हमने कट करा और दूसरा प्लांट लिया जिसमें क्या मौजूद हो, रूट्स मौजूद हो, और फिर ये ज़रूरी नहीं कि मिट्टी में हो, बाहर भी हो सकता है, और फिर हमने इस सियॉन को इस स्टॉक के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, जिसमें रूट्स मौजूद हैं उसको हम स्टॉक कहेंगे, जिसमें रूट्स मौजूद नहीं है उसको हम सियॉन कहेंगे। और फिर इसको हमने क्या किया, द सियॉन एंड द स्टॉक आर देन फॉर्मली टाइड टुगेदर। यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से टाई कर दिया। ठीक है, द स्टॉक सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू द सियॉन, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है इसमें रूट्स हैं, अब जब इसको हम मिट्टी में लगाएंगे तो फिर रूट्स के थ्रू इनको वाटर एंड मिनरल्स सियॉन को कौन प्रोवाइड करा रहा है, स्टॉक प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, उसके बाद न्यू सेल्स डेवलप इन द एरिया वेयर दे आर ज्वाइन, जहाँ से हमने ज्वाइन किया था यहाँ से जो आपकी ब्रांचेज निकलेंगी वहाँ उसमें क्या होगा, नए सेल्स होंगे, उसमें जो फ्रूट्स होगा या फ्लावर होगा वो उनकी वेराइटीज़ डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। ठीक है, अब ये हम लोग कर सकते हैं रोज़ में कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये हमारा, मैंगो में कर सकते हैं, फ्रूट से गावा फ्रूट से इनमें भी ये हम ग्राफ्टिंग करते हैं। सो दिस इज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अ यंग ब्रांच इज लोअर डाउन एंड बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड बाय मॉइस्ट सॉइल फॉर्मिंग अ लेयर। इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी स्टेम है उसको ज़मीन की तरफ लोअर्ड करते हैं, ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये हम कर रहे हैं मैनुअली हो रहा है, लोअर्ड कर देते हैं, बेंट कर देते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड, और फिर उस स्टेम पे क्या करेंगे हम, मिट्टी डाल देंगे, उसको कवर कर देंगे मॉइस्ट सॉइल से। आफ्टर सम टाइम्स रूट अराइज फ्रॉम द ब्रांचेज एंड ग्रो डाउनवर्ड्स। उसके बाद जहाँ पे आपने जो स्टेम्स थी उसमें क्या अराइज हो जाएगा, रूट्स निकल आएंगे, और फिर लेटर ऑन हम क्या करते हैं उस ब्रांच को पेरेंट प्लांट से कट कर देते हैं और फिर वो एक न्यू प्लांट के तौर पे ग्रो होता है। ठीक है, ग्रेप से जैस्मीन है, बोगनवेलिया है, इन सब में हम लेयरिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टिश्यू कल्चर। देखो ये जो टिश्यू कल्चर है ना, ये बेसिकली रिसर्च वर्क आपका फॉरेस्ट्री है या हॉर्टिकल्चर है, इसमें बहुत यूज़ होता है, लेकिन उसके अलावा ये मेथड आपका यूज़ होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेटर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स विच आर डिजीज्ड फ्री एंड हैव अ हायर यील्ड। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग वहाँ पे भी यूज़ करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि क्रॉप की वैरायटी बहुत अच्छी हो और उसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो क्रॉप में, वो डिजीज़ फ्री हो और बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो सके, हायर यील्ड मीन्स बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो सके, तो वहाँ पे भी हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं। और दूसरी चीज़ की जो टिश्यू कल्चर होता है ना, वो हम कंजर्व करने के लिए करते हैं इनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और रेयर ब्रीड्स ऑफ प्लांट को। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत कम ब्रीड करते हैं, बहुत कम रिप्रोड्यूस करते हैं, या कुछ प्लांट ऐसे हैं जो इनडेंजर्ड है। इनडेंजर्ड किसको कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि अब वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं, तो टिश्यू कल्चर आर यूज दे ऑल्सो। अब टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, देखो टिश्यू कल्चर में हम लोग ये करते हैं, पहले मैं आपको फिगर दिखा दूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखो टिश्यू कल्चर में ये क्या करते हैं कि हमने प्लांट लिया, ठीक है, और प्लांट में से उसके एक टिश्यूज़ को निकाल लेते हैं और उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं एक्स प्लांट। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। ठीक है, और ये स्मॉल टिश्यूज़ हमने प्लांट निकाला, दैट वी कॉल इट एक्स प्लांट, और इसी एक्स प्लांट को हम इसको एक टेस्ट ट्यूब में या एक ऐसी चीज़ में डिप कर देते हैं, डाल देते हैं, जिसमें क्या होता है, दैट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट। इसमें क्या मौजूद है, ये न्यूट्रिएंट है जिसकी हेल्प से ये एक्स प्लांट क्या होगा,
ग्रो होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा और इसमें फिर ये ग्रो होने लगेगा। जब ये सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे क्या होगा कि बहुत सारे टिश्यूज़ डेवलप हो जाएंगे, बहुत सारे सेल्स से क्या बनेगा, टिश्यूज़ बनेगा, तो या बहुत सारे यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे। तो ये जो सेल्स यहाँ पे डेवलप हुआ, इस टिश्यू से यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो सेल डिवीजन के थ्रू बने, इनको हम कहते हैं कैलस। ठीक है, वो कैलस बन गया, फिर कैलस जो है ना अपने आप फिर वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा और फिर उसमें शूट्स निकल आएंगे एंड रूट्स निकल आएंगे। ठीक, और फिर ये सी प्लांट को हम लोग बाद में लगा देंगे ताकि ये ग्रो हो सके, इससे बाहर मीडियम से निकाल कर मिट्टी में, दैट इज़ टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो दैट आई हैव रिटन है, मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एक्स प्लांट इज कट ऑफ फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का ग्रोइंग टिप है उसमें से एक हमने प्लांट को उसके टिश्यूज़ को ले लिया, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एक्स प्लांट। द टिश्यू पीस यानी एक्स प्लांट इस्केप इन अ मीडियम रिच इन न्यूट्रिएंट विच प्रमोट सेल डिवीजन। और फिर इसको हमने ऐसे मीडियम में डाला जिसमें क्या मौजूद है, न्यूट्रिएंट मौजूद है। ठीक है, इसमें क्या मौजूद है, न्यूट्रिएंट मौजूद है, और न्यूट्रिएंट की वजह से इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये ग्रो होगा। ठीक है, सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन अ मास ऑफ लूजली अरेंज सेल कॉल्ड कैलस। और सेल डिवीजन की वजह से बहुत सारे सेल्स का प्रोडक्शन हो जाएगा जिसको हम लोग कैलस कहते हैं, और फिर बाद में कैलस में क्या डेवलप हो जाएगा, कैलस फॉर्म्स मल्टीपल शूट्स, इसमें बहुत सारे शूट्स निकल आएंगे। ठीक है, तो देन रूटेड शूट्स आर देन शिफ्टेड टू द पॉट्स एंड सुटेबल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टू ग्रो द मैच्योर प्लांट। और फिर इसको हम लोग कहाँ शिफ्ट कर देंगे, पॉट में लगा देंगे या फील्ड में, जहाँ भी लगा रहे हैं हम, और फिर उसके बाद उसको सूटेबल कंडीशन देंगे ताकि वो ग्रो हो सके। दिस इज टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसका क्या एडवांटेजेस है, इसका फ़ायदा क्या है। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है, फास्टर मेथड है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कभी कभी कि देखो कि सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, उसको कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन रहा, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाए। तो इस केस में अगर हम वेजिटेटिवली प्लांट को रिप्रोड्यूस कराते हैं तो वो डायरेक्ट ग्रो हो जाएगा, और पेरेंट प्लांट से उसको हम डायरेक्ट ग्रो करा सकते हैं। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्लांट ग्रो होता है वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट के तरह ही होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम पेरेंट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, वो किसके तरह होगा, बिल्कुल पेरेंट की तरह होगा, जिसकी वजह से हम पेरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कंजर्व कर सकेंगे। अब देखो अगर पेरेंट की तरह नहीं हुआ, सपोज़ ये प्लांट हमने लगाया, अब इससे जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ इसके तरह नहीं हुआ, ऐसे ऐसे होते होते एट लास्ट क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये प्लांट ही नहीं रहेगा इस कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे जो फीचर्स इसमें हैं तो इससे जो प्लांट ग्रो होगा वो बिल्कुल इसी की तरह होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये हमें हेल्प करता है पेरेंट्स प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक को कंजर्व करने में। एंड द लास्ट पॉइंट कि प्लांट्स दैट डू नॉट फ्लावर्स और हैव सीड्स कैन रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। वो प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता है और जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं आप क्रॉटन वगैरह देखते हैं उसमें फ्लावर्स नहीं होता है, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होता है और किसी में सीड्स नहीं होते हैं, तो वो आराम से इस मेथड के ज़रिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू वो ग्रो कर जाते हैं, रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एडवांटेजेस हो गए। नौ, ये आपका जो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। एंड एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैज़ आल्सो बीन कंप्लीटेड। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।